हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम पुष्पेंद्राकरण, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक वाइज। मैंने इसके पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस को जो चेंज करने के लिए मैंने पूरे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाए हुए हैं जिनमें अलग अलग पूरा फुल मैंने बहुत तरीके से बताया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आपको पहले से वो नहीं आते। अगर आपको टेंस नहीं आता तो पहले आप टेंस की वीडियोज़ भी देख सकते हैं और फिर इसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेसिकली आपको बता दें कि जो अब आपको एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना होता है तो आप जानते हैं आपके टेंस जो होते हैं उन्हीं हिसाब से आपको चेंज करना होता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। तो देखिएगा, प्रेजेंट टेंस में अगर आप देखा जाए, हमने जैसे टेंस जो होते हैं अगर हम इनको इंटरचेंज करना होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब पर ही डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब पर ही डिपेंड करेंगे। जो प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर हमें चेंज करना होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगी। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा, एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल जो बेसिक रूल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। चाहे आप कोई सा भी टेंस यूज़ करें, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म, लेकिन आपको वॉइस जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? थर्ड फॉर्म, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो। तो आप हर एक टेंस ऑफ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय जरूर लगाते हैं। जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है हम बाय लगाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में आपका सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी इज एम आर, और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हो गया। जैसे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, जैसे आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो इसको मैं चेंज करूँगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये मार्केट, मार्केट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा इज, मार्केट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन बाय, आई का हो जाएगा मी, मार्केट इज गॉन बाय मी, मार्केट इज गॉन बाय मी। तो बिल्कुल सिंपल था ये। इसको फॉलो आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे टेंस बनाते हैं, इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है। ये यूनिवर्सल रूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी आप टेंस में, दुनिया में कभी भी आप नेगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, तो जैसे इजंट हो जाएगा। और जब आपको क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। यही रूल टेंस का, यही वॉइस का, ये हर जगह रूल यही चलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कंटिन्यूअस में आएंगे, तो कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेगा, बट यहाँ पर बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग। तो आपने फॉर्मूला भी देखा होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को ही, मैं एक ही सेंटेंस को मैं हर चीज में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, अब दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो जाएगा मार्केट, मार्केट इज, देखिएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर लगता है, ध्यान रखिएगा। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर आई है तो एम लगता है। तो मार्केट इज बीइंग, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी। सो दिस इज द एक्टिव टू पैसिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से परफेक्ट में आ जाएगा, परफेक्ट में चेंज करना हो तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन या हैव बीन होगी। हैज़ बीन या हैव बीन आपको पता ही, हैज़ का यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ और हैव का यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ। जैसे आई हैव गॉन टू मार्केट, बस एक ही सेंटेंस को मैं पूरे में चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मार्केट हैज़ बीन। देखो आई था इसलिए हैव आया, मार्केट है तो हैज़, मार्केट हैज़ बीन Gone by me। तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल वही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले को फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हम पास्ट टेंस में आएंगे, तो पास्ट टेंस में भी यहाँ पे क्या है, सिंपल आपका जो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है। क्या होती है? वॉज वर्ब, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से कंटिन्यूअस में भी हेल्प, बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रेजेंट टेंस है वैसे ही आपका पास्ट है, वैसे ही आपका फ्यूचर है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब, और आपको मेन वर्ब का तो ध्यान ही नहीं रखना क्योंकि मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपका, जैसे कंटिन्यूअस में आपका बीइंग आता है तो बस फॉर्मूले में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। और परफेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, परफेक्ट में तो जो आपके पैसे
और एक्टिव दोनों का ही फॉर्मूला मैच कर रहा है, बस वहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन है तो वहां पे हैज हैव थी, तो बस आपने बीन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बीन। उसी तरीके से फ्यूचर में आप आएंगे तो फ्यूचर में जिसकी हेल्प सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल बी हो जाती, क्या होती? विल बी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग वही का वही, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का ही ध्यान रखना है बस, और बाकी पूरा सेम टू सेम है। और परफेक्ट में विल हैव बीन हो गया, विल हैव बीन, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले का जो स्ट्रक्चर है आपको बस ये ध्यान, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है बस, और आपको क्योंकि इसमें एक चीज और क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर आपके सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है एजेंट है तो बाय लग के ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मैंने यहां पे आई हैव गॉन टू मार्केट, तो मार्केट हैज बीन गॉन बाय मी, तो यहां पे वाई जरूर आएगा अगर आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो। तो गाइज ये बिल्कुल सिंपल था, ये जस्ट मैंने 5 मिनट के हिसाब से बनाया ताकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो इसके मैंने आपके वीडियो डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं एक एक वीडियोस, उसमें कुछ ये जनरल रूल वाले स्पेशल रूल वाले वीडियोज भी मैंने बनाए हुए, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।